नमस्कार, मैं हूं दिनेश शुक्ला। HNI लाइव बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर मुंबरा से। शनिवार को कौसाबेली स्थित स्टेडियम में गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने थाने महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की, जहां शहर के कई बुनियादी मुद्दों को लेकर आक्रामक अंदाज में कहा कि अतिक्रमण पर सफाया किया जाए, अवैध निर्माण कार्य पर लगाम लगे, साथ साथ गटर नाले की सफाई मानसून से पहले होना जरूरी है। इसी के साथ स्थानीय नागरिकों की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मुंबरा से यूसुफपुरी की रिपोर्ट। अगर इलीगल बांध काम इसी तरह चलता रहा तो यहाँ का जो भी इंचार्ज ऑफिसर है उसको सस्पेंड किया जाएगा। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे मुस्लिम बांधुओं के लिए हज हाउस का ऐलान किया है, जिसकी वॉल कंपाउंड बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया। इसके अलावा हॉस्पिटल, जो कई सालों से उसका वर्क चल रहा था और आवाड़ साहब के आने के बाद काम बड़े तेजी से शुरू हुआ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही महीनों में उसकी ओपनिंग का उन्होंने ऐलान किया। इसमें सबसे बड़ा उन्होंने जो समस्या ली साहब ने, वो पानी के मामले में उन्होंने बात की। पानी के लिए देखिए, जहाँ जहाँ अभी पानी की किल्लत हो रही है, गंदा पानी आ रहा है और रिमॉडलिंग का इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लाने के बावजूद पानी की जो समस्याएं आ रही है उसके बारे में उन्होंने आज इस बैठक में उसके बारे में भी खुलासा लिया और जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर उन्होंने काम करने के लिए कहा है। में उन्होंने पुनर्वसन के जो लोग बाकी थे, जिसमें कुछ दुकानदारों का मामला था, कुछ घरों का मामला था, उस मामले को भी उन्होंने आज सॉल्व कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनको कहां कहां घर देना है, कहां कहां दुकानें देनी है, इसके बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से कहा है और अधिकारी को सख्त ताकीद दी गई है कि जल्द से जल्द अगर ये काम पूरा नहीं किया गया, किसी भी अधिकारी ने अगर काम करने में सुस्ती की तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्कार।